सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल शौनोदास को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक फ्रेश एपिसोड पे। तो आज हम देखने वाले हैं नोवा का NS-216 या फिर नोवा NHT-1045 मॉडल का ट्रिमर, जो कि एक कॉर्डलेस पोर्टेबल ट्रिमर है और मैंने इसे अमेज़न से ख़रीदा है सिर्फ 300 रुपये में। तो ये मुझे बहुत ही एक अच्छा ट्रिमर लगा और मैं इसे एक महीने के बाद यूज़ करके मेरा एक्सपीरियंस आपको आज बताने वाला हूँ और इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो और आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तब तो दिस इज़ आवर ट्रिमर, आप देख सकते हैं इस, ये लिखा है प्रोफेशनल ट्रिमर और बहुत कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं क्या है। और इसमें तो लिखा है इसका चार्जिंग टाइम है 12 आवर्स और इसका डिस्चार्ज टाइम है 45 मिनट्स अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करें तो। तो इसमें ज़्यादा नज़र नहीं डाल के बॉक्स को खोल के देखते हैं अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कुछ दिया गया है। तो बॉक्स को खोलते हैं, लेट्स ओपन द बॉक्स फर्स्ट। तो बॉक्स को खोलने से आपको एक चार्जर मिल जा जिससे कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं, और आपको तीन आपको एक्सटर्नल बिट्स मिलेगा जो कि आप अलग अलग थिकनेस के बाल को काटने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके बियर्ड को काटने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 9 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर एंड 3 मिलीमीटर का स्ट्रिप प्रोवाइडेड है। और ये है आपका क्लीनिंग ब्रश, इससे आप आपको ट्रिमर को क्लीन करना पड़ेगा। और ये है आपका ऑयलिंग लिक्विड, जिससे कि आपको ब्लेड्स को ऑयल करना पड़ेगा कुछ दिन के बाद बाद शायद। और आप देख सकते हैं बहुत ही एक क्लासिक मॉडल लगा मुझे ये, तो मुझे पकड़ के लगा ही नहीं कि ये सिर्फ 300 रुपये का है, लेकिन बहुत ही एक डिसेंट लगता है हाथ में पकड़ने से, एक स्लीक मॉडल है। और मुझे ब्लेड भी बहुत अच्छे क्वालिटी का लगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड, जो कि ये बोलना चाहता है, इस बॉक्स में भी लिखा है सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है, खुद ही खुद शार्प हो जाता है। और इसमें आपको एक रिचार्जेबल बैटरी मिलता है, आप देख सकते हैं। और बैटरी अगर एक साल के बाद ख़राब भी हो गया तो 50-60 रुपये में ये बैटरी मिलता है, आप कोई भी दुकान से ख़रीद लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक डिसेंट क्वालिटी का लग रहा है, इतना शाइन कर रहा है। और ये है आपका ऑन ऑफ स्विच, बहुत ही स्मूथ लगा मुझे। और आपके लिए एक इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता है जो कि चार्जिंग टाइम को बताएगा आपका चार्ज हो रहा है या नहीं। तो अगर आप बिट्स को फीड करना चाहें तो ऐसे पकड़ के आपको थोड़ा प्रेशर दे के ऐसे करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फिट हो चुका है दोस्तों, और इसे क्लीन करने के लिए इस ब्रश से आपको थोड़ा ऐसे साफ़ कर देना है। फिर बाद में इस बोतल को मैंने कट कर रखा है, आपको पहले कांची से कटना है उसका टिप, और फिर आपको ऐसे अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत ही थोड़ा अप्लाई करना है, नहीं तो ये अंदर घुस जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बहुत ही थोड़ा अप्लाई करके एक बार इसे चला देना है और हाथ में ऐसे मोच देना है। देखिए दोस्तों मेरे हाथ में थोड़ा तेल निकल आया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो चलिए इस
तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसे अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ध्यान देते हैं। तो डिसएडवांटेज में बोलना चाहता हूँ कि इसका जो इंडिकेटर है वो तो चार्जिंग होने पर ये ऑन होता है, लेकिन चार्जिंग ख़त्म होने पर ये ऑफ नहीं होता, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कब ये 12 घंटे चार्ज हुआ है। लेकिन ये चार्ज होने के बाद इंडिकेटर ऑफ नहीं होता। और दूसरी डिसएडवांटेज है कि 45 मिनट्स का कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज टाइम होने के बाद भी ये 15 या 20 मिनट्स के बाद इसका पावर बहुत ही लो हो जाता है, और फिर आपको इसे थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। और इसके एडवांटेजेज में देखा, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, पोर्टेबल है, कॉर्डलेस है, और सबसे ज़रूरी बात, इतने कम प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा है ये। इसका जो मेन पर्पस है जो कि है दाढ़ी कटना, तो वो ये बहुत ही अच्छी तरह से निभाता है। मैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बैटरी का, नहीं तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिमर है। तो चलिए इसे एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक बॉर्डर करने वाला हूँ, एक क्लीन बॉर्डर, तो देखते हैं इसे कैसा होता है। ऑफ कोर्स मैंने इसे यूज़ कर चुका है बहुत बार, और ये मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला है, लेकिन आपको एक बार करके बता दूँ। तो ऐसे आपको करना होगा, तो आप देख सकते हैं, ऐसे आपको बारीकी से करना होगा एक क्लीन बॉर्डर के लिए। तो एक दो बार ऐसे करेंगे तो देख सकते हैं मेरा एक क्लीन बॉर्डर आ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, कैसा एक क्लीन बॉर्डर है। तो ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, और चैनल में ना आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। गुड बाय।